मस्त आग जल गई। भाई गुड मॉर्निंग, उठो देखो कितना अच्छा व्यू है बाहर। पूरी रात बारिश में, रात बारिश में कटी है। कोई कोई चोरी नहीं करता, अपने आप चोरी होती है, अपने आप चोरी हो जाती है। 12 साल में कलंक लगता है यहाँ पर। इसका रीजन हमारे को भी नहीं पता, इसका रीजन बताएंगे पंडित जी। Hey guys, ये देखो प्याज, पनीर, कैप्सिकम, थोड़ा सामान ले लेते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस मैं हूँ कोटगढ़ में, जो नारकंडा से, मतलब अगर आप शिमला से आ रहे हो तो नारकंडा पहुँचते हो आप, तो उसके आगे रामपुर की तरफ नहीं जाना है, उससे पहले एक राइट कट आता है, तो वही आगे 10-15-16 किलोमीटर आप अंदर आओ तो ये जगह आती है। तो वेलकम बैक गाइस टू माई अनदर व्लॉग, और स्वागत है मेरे चैनल में हंगर टू एक्सप्लोर। और जो भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो आज मैं करूँगा नाइट कैंपिंग इन रेन। ओके, तो वील प्रिपेयर सम फूड कुकिंग एंड सोच रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव आई विल गो फॉर चिली कैप्सिकम, पनीर कैप्सिकम एंड चिली नूडल्स। ओके, तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, थोड़ा सामान ले लेते हैं। 2-3-4-5 दिन बाद ही है। क्या बना रहे भाई? दाल चावल और रोटी। और भाई ने बाल रखे, सर्दियों का जुगाड़ देखो। चलते हैं लोकेशन पर। अमित भाई चूल्हा सेट कर रहे हैं, फिर आग लगाएंगे, बॉनफायर करेंगे, मस्त हो जाएगा काम। अमित भाई ने मस्त आग लगा दी है, सॉलिड बॉनफायर, चूल्हा इतना मस्त जलाया ना, फायर देखो। वो रहा अपना टेंट, ये रही अपनी गाड़ी, ये रही अपनी गाड़ी, वो रहा अपना बॉनफायर, ये जॉस्को चेयर, गाइस शीशे पे देखो आग जलाई थी, अभी देखो शीशे पे आपको दिख रहा होगा बूंदे, हल्की हल्की बारिश हो रही है। टेंट तो हमारा प्रॉपर सेट हो गया, अंदर ब्लैंकेट वगैरह, चद्दर, सब चीज़ें सेट करके रख दिए, ठीक है, स्लीपिंग बैग सब कुछ। अब ये बारिश रुके तो वीडियो बने। गाइस अब अमित और मैं बैठे हुए गाड़ी में, थोड़ी बारिश रुके तो करते हैं कुछ, बारिश रुकने के बाद करते हैं कुछ डिनर का प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, खाना खा लेंगे, भूख लग रही है गाइस, बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग और, रही है। सबसे पहली दिक्कत यहाँ सबसे पहले लकड़ियों की है, वो होता ही अरेंज करना पड़ता है, होता ही है, जंगल में लकड़ी का अरेंज करना पड़ता है, इस वजह से गाइस लेट हो गए थोड़े से। दोस्तों बारिश बड़ी तेज हो गई है, पहले हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है, अब तेज हो गई है, तेज हो गई, बहुत ज्यादा मेहनत की थी आग जलाने में, वो भी रद्द हो गई है। फिर
गाइस बारिश रुकती है फिर आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? और फिर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते, बिकॉज गाइस मेन पंगा ये है ठंड बहुत है कि ठंड में बैठा नहीं जा रहा, और ऊपर से बारिश होगी और ठंड और बढ़ेगी, और बारिश के अंदर खाना बनेगा नहीं, और आग वैसे आग बुझ चुकी है, तो देखते हैं क्या होता है, फिर विल कंटिन्यू द वीडियो। ओके अमित भाई, ये सामान ले जाओ और वहीं रख दो त्रिपाल पे। अगर आपको दिख रहा हो बहुत बुरा हाल है, बहुत ठंड है गाइस, रात के 3 बज रहे हैं और आप देख सकते हो मैं टेंट में बैठा हूँ, ठीक है? देखो टेंट में बैठा हुआ हूँ और बारिश हो रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, बारिश हो रही है और घना कोहरा छा चुका है, मतलब ठंड तो है ही, बारिश से और बढ़ गई है। बहुत हालत ख़राब है, कोहरा पूरा छा गया है। सुबह आपको डे टाइम में दिखाऊंगा, अगर कोहरा मिला मुझे तो डे टाइम में दिखाऊंगा, और वेरी टफ खाना बनाना बारिश में इज वेरी टफ। गाइस बारिश अभी रुक जाए तो आई होप रुक जाएगी, तब तक सब्जियां काट लेते हैं। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना है यार, और हो सके तो शेयर कर देना। गाइस मैं बना रहा हूँ पनीर कैप्सिकम, चिली पनीर कैप्सिकम और विद चिली नूडल्स, तो करते हैं श्री गणेश। अगर आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही हो अब, अनियन और बारिश हो गई तेज, अब पनीर काट रहा हूँ, कट गया पनीर। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, ठंड में बारिश के अंदर वीडियो बना रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट कर देना और जितना हो सके फैला दो वीडियो को। बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको और ठंड है बहुत ज़्यादा। मैं हूँ अभी कोटगढ़ में जो है नारकंडा से 16-17 किलोमीटर आगे, और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, आप लोगों को पता ही होगा नारकंडा, नारकंडा से 16-17 किलोमीटर आगे है तानी जुबड़ लेक। गाइस ऑयल डाल दिया है, ठीक है? अब जाएगा इसमें प्याज, ये गया प्याज,
शेजवान। अब जाएगी टोमेटो सॉस। पनीर गाइस, हम बना रहे हैं चिली कैप्सिकम पनीर। चाउमीन हमने बना लिया, उसको गर्म करना बाकी है बस। वो ये चीज़ जो पकड़ी हुई आपने, वो की वीडियो में नहीं आनी चाहिए। इसको ऐसे कर लो, ऊपर ऐसे ऐसे पकड़ लो ना। लग रहा आपको तो लाइक कर दो और बताओ ये डिश आपको कैसी लग रही है बनने में। अब जाएगा कैप्सिकम। अब ये इसमें गाइस, ये देखो, प्याज, पनीर, कैप्सिकम, शेजवान, गार्लिक पेस्ट, हल्का नमक और टोमेटो सॉस। ये 2 मिनट में रेडी हो जाएगा खाने को लिए, एकदम रेडी। गाइस, ये बन चुका है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मुझे बताओ इसकी शक्ल कैसी है। करते हैं प्लेटिंग और खाते हैं। कट। चलो प्ले। गाइस, अब बन गया तो खा रहे हैं। टेस्ट अच्छा बना है। क्यों मैं बहुत अच्छा बना है। हाँ, ब्लैंकेट भी जो है मेरा गीला हो गया। सामान अभी मैं यहीं छोड़ रहा हूँ और गाड़ी में जाके सोता हूँ, क्योंकि बारिश तो रुकेगी नहीं, बारिश नहीं रुकने वाली। टेंट को जिप इट करता हूँ, जिप करके जो थोड़ा वो सामान टेंट के अंदर है पड़ा रहे, और गाड़ी में जाके सोता हूँ और आपसे सुबह मिलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गैस हल्की, देखो चेक करो, गैस चेक करो, मौसम देखो हिमाचल का। ये अभी सुबह के 6 बज रहे हैं हिमाचल में।
सुबह हो गई है, मस्त लग रहा है ना गाइस। भाई गुड मॉर्निंग, उठो देखो कितना अच्छा व्यू है बाहर। भाई उठो, गुड मॉर्निंग, व्यू देखो बाहर। सबसे पहले उठो तो सही, पूरी रात बारिश में, रात बारिश में कटी है, मॉर्निंग देखो कितनी मस्त है। उठो हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। ओह हो, रात तो ठंड ने जान निकाल दी यार, मतलब ढाई दो बजे तक जो था ठंडा मौसम था और बारिश नहीं थी, एक डेढ़ दो बजे तक, उसके बाद बारिश शुरू हुई है, इतनी तेज से बारिश शुरू हुई, पहले धीरे शुरू होनी शुरू हुई, फिर एकदम से इतनी तेज हुई पूरी रात। क्या टाइम हो रहा है भाई? अबाउट 8 बज गए आई थिंक, साढ़े आठ हो गए, तो ढाई से लेके साढ़े आठ मतलब 6 घंटे। मैं 4 बजे के आसपास आया हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता कि बारिश कब रुकी है, लेकिन अभी देखो क्या मौसम हो गया। गाइस मैं जो भी कर पाया रात को, क्योंकि बारिश थी तो बाहर का हाल खराब था बहुत ज़्यादा, और फिर भी मैंने अंदर कोशिश करी बैठ के कुकिंग करने की बारिश में, और पूरा गीला भी हो गया, आधा टेंट गीला हो गया अंदर से, तिरपाल चादरें कंबल सब गीला हो गया, दिखाऊंगा आपको, पूरा गीला हो गया। आई होप कि धूप निकल आई है तो सूख जाएगा सब कुछ, आई ट्राई इफ आई कैन कैप्चर द नाइट व्यू। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और डू सपोर्ट गाइस, और जो भाई पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके तो देखते हैं, अभी ठंड बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे गाड़ी से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा, अभी पैर ठंडे जम चुके हैं। अभी मेरे ख्याल से 7 है टेम्परेचर, 7 टेम्परेचर है, तो लेट्स सी, हाथ जाम हो गए पूरे। चलिए लेट्स कंटिन्यू। इस लेक की हिस्ट्री पांडव काल से है, इसकी मानता यह है कि लेडीज यहाँ गोल्ड डालती है और जो भी पहली विश करेंगे वो पूरी होती है यहाँ पर। ये हिस्ट्री बहुत पुरानी सी समय से चले आ रही है, यहाँ की मानता यह है कि आप जो भी पहली इच्छा करोगे, आप विश करोगे, वो पूरी होती है, और ये बहुत प्राचीन काल से चल रही है यहाँ पर। तानी जुबड़ है ये लेक, हिमाचल प्रदेश में नारकंडा है, नारकंडा से 7 किलोमीटर आगे तानी जुबड़ लेक है। आप आओ यहाँ देखो, हमारा प्राचीन मंदिर पांडव काल से है, महाभारत से है, और सबसे पुराना मंदिर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है। इसके बाद आपको हाटू मंदिर ले चलेंगे। करण जो था उसको भगवान ने वरदान दिया था श्री कृष्ण जी ने कि देव रूप में तेरे को पूजा जाएगा, और जो करण था वो परशुराम जी का चेला था। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो जो करण था उसने छल किया था अपने गुरु के साथ, ब्राह्मण बन के गया था, वो क्षत्रिय था, राजपूत था, तो उसको श्राप दिया था कि जब युद्ध होगा तेरी शक्तियां हीन हो जाएगी, महाभारत युद्ध में तेरा जो रथ होता है वो धरती निकल जाएगी, इसी वजह से इसका अंत हुआ। और श्री कृष्ण चाहते थे कि तू पांडवों के साथ मिल और धर्म के साथ चल, तो वो दुर्योधन का दोस्त था तो उसने उसका पक्ष लिया। करण के इस लेख से मतलब है कि इसको पूजा जाता है करण के नाम से। अच्छा, इसको पूजा जाता है करण के नाम से, ये बहुत पुरानी, आज से 5000 साल पुरानी लेक है ये।
जब से ये महाभारत है, जब से करण देव रूप में आया ये लेक, तब से ये आप आओ 1 करोड़ के, आप 10 करोड़ के सोने यहाँ रखोगे ना कहीं भी, आपका चोरी नहीं होगा। 12 साल में सिर्फ चोरी होती है सिर्फ लेक के अंदर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 12 साल में चोरी होती है लेक के अंदर अपने आप। अपने आप उस टाइम ऐसा होता है कि जिसको कहते हैं ना अमावस्या कहते हैं ना, अमावस्या कहते हैं हमारे पहाड़ी में अमावस्या, कि तारे भी नहीं दिखाई देते, अपने आप गायब हो जाता है। अच्छा, ये 12 साल में होता है एक घटना। कोई कोई चोरी नहीं करता, अपने आप चोरी होती है। अपने आप चोरी हो जाती है, ये 12 साल में कलंक लगता है यहाँ पर। इसका रीजन हमारे को भी नहीं पता, इसका रीजन बताएंगे पंडित जी। ठीक है, पंडित जी से मिलते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, जानते हैं सारी कहानी। हाँ, बाकी पूरी जो स्टोरी बताएंगे वो पंडित जी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू।